अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं ये सारे चूज़े हैं, ये जो है मैंने ब्रूडर में रखे हुए हैं। और ये जो मैं आप लोगों को पहले मैंने पिछली वीडियो में जो असील के जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, जो असील मुर्गी हमारी कुड़क हुई थी, उस वीडियो में जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वो अंडों पर बैठी हुई थी, मैंने कहा था आप लोगों को मैंने देसी अंडे जो है इनक्यूबेटर में लगाए हैं, तो वो उसमें से जो बच्चे निकलना शुरू हुए हैं वो ये हैं। ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने एक्टिव हैं ये सारे। और इनके पास मैंने ब्रूडर रखा हुआ है जो कि इनका टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन रहता है, जो कि हीट इनके पास इनको मिलती रहती है सही से, तो इनके पास टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो माशाल्लाह से सही है। क्योंकि ये अभी बहुत छोटे हैं, इनको अगर थोड़ी सी भी ठंड लग जाती है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते। ये वाला जो है ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ला के छोड़ा है, ये अभी अपने पाँव पे सही खड़ा भी नहीं हो रहा। तो अभी एक और जो है इनक्यूबेटर में वो थोड़ा सूख रहा है, अभी उसको थोड़ी देर में मैं उसको भी यहाँ पे ला के छोड़ दूँगा। और माशाल्लाह से अभी आप लोग देख सकते हैं कुछ जो हैं थोड़े से सही हुए हैं, जो अपने पाँव पे खड़े भी हो रहे हैं, चल भी रहे हैं। और ये वाला जो है एक जो वो वाला बच्चा है, इसके थोड़े पता नहीं पाँव में मसला है। ये असील के कुछ अंडे मैंने जो है इनक्यूबेटर में रखे थे, उसमें से ये वाला बच्चा निकला है। और कुछ वाइन डॉट के भी अंडे उसमें रखे हैं, तो उनमें से अभी तक तो कोई भी बच्चा नहीं निकला, जैसे ही निकलता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी भी माशाल्लाह से काफ़ी अंडे रखे हुए हैं, उनमें से बच्चे निकलने बाकी हैं। तो ये कुछ बच्चे जो है निकले हैं और माशाल्लाह से अभी आप लोग देख सकते हैं इनकी हेल्थ कैसी है। इनको मैंने थोड़ी थोड़ी सी नीचे फीड डाली हुई है ताकि ये कुछ खाते रहें, बिल्कुल पाउडर करके, बिल्कुल छोटी छोटी जो बारीक ज़ीरो नंबर की फ़ीड होती है वो वाली जो फीड है वो इनको मैंने डाली हुई है अभी। तो यही थी आज की वीडियो, आप लोगों को जो है ये चूज़े मैंने दिखाने थे माशाल्लाह से, आप इनकी हेल्थ भी देख सकते हैं। और जैसे जैसे ये जो चूज़े निकलते रहेंगे हमारे और मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये इंशाल्लाह पूरा ये इनके ब्रूडर जो है हमारा भर जाएगा, अभी काफ़ी सारे अंडे और रखे हुए हैं इनक्यूबेटर में, तो वो भी जैसे निकलते हैं वो भी हम इसमें ला के छोड़ देंगे। पहला हफ्ता हम इसकी ब्रूडिंग करेंगे, उसके बाद जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, मतलब इनको जो थोड़े बड़े हो जाएंगे सरवाइव करने वाले, जो सरवाइव कर लेंगे आराम से, फिर हम इनको इसमें से बाहर निकाल लेंगे। क्योंकि अभी जो है ये बहुत छोटे होते हैं, इनको हीट की काफ़ी ज़रूरत होती है, तभी मैंने यहाँ पे बल्ब भी लगाया हुआ है और इसका टेम्परेचर भी मेंटेन है 35 डिग्री पे। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।